गरीब साध साध सब नेक हैं, आप अपनी ठोरे जो सतलोक ले जाएंगे वो साधु कोई और। ये देखिएगा संक्षिप्त शिव पुराण। इस संक्षिप्त शिव पुराण के अंदर ये गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित है, सचित्र मोटा टाइप, केवल हिंदी। और ये कहाँ से प्रकाशित है देखिएगा, अनुमान प्रसाद पोद्दार इसका इनके संपादक हैं और प्रकाशक हैं। ये गीता प्रेस गोरखपुर गोविंद वन कार्यालय कोलकाता का संस्थान। यहाँ देखिएगा संक्षिप्त शिवपुराण 98 पृष्ठ से हम थोड़ा सा पढ़ेंगे। यहाँ पांचवा अध्याय रुद्र संहिता का हम पढ़ेंगे, छठा, पांचवें के एंड को पढ़ रहे हैं। अपने पुत्र नारद की आवाज़ सुनकर लोक पिता महाब्रह्मा वहाँ इस प्रकार बोले। पांचवा अध्याय समाप्त हुआ, छठा प्रारंभ हुआ रुद्र संहिता का 99 पृष्ठ पे। नारद ने पूछा था कि सृष्टि की रचना बताइए भगवान पिताजी ब्रह्मा जी से, तो ब्रह्मा जी ने बताया। अब आपके रूबरू पढ़कर सुनाता हूँ। ब्रह्मा जी ने कहा ब्रह्मन श्रोमणे, तुम सदा समस्त जग के उपकार में लगे रहते हो। तुमने लोगों के हित की कामना से बहुत उत्तम बात पूछी है, जिसमें समस्त चराचर जगत नष्ट हो गया था। सर्वत्र केवल अंधकार ही अंधकार था, न सूर्य दिखाई देते थे, न चंद्रमा आदि कुछ भी नहीं थे। उस समय तत्सद्ब्रह्म जिस श्रुति में सत सुना जाता है, इस श्रुति में जो सत सुना जाता है एकमात्र वही शेष था। 100 पृष्ठ पे जिस परब्रह्म के विषय में ज्ञान और अज्ञान से पूर्ण युक्तियों द्वारा इस प्रकार विकल्प किए जाते हैं, यानी ब्रह्मा जी कह रहे हैं कुछ सच्ची कुछ झूठी जो मैंने सुनी है वो बता रहा हूँ। उसने कुछ काल के बाद कुछ समय के उपरांत द्वितीय की इच्छा प्रकट की। उसके भीतर एक से अनेक होने के संकल्प उदित हुए। तब उस निराकार परमात्मा ने अपनी लीला शक्ति से अपने लिए एक मूर्ति की कल्पना की। इनका क्या मानना है कि परमात्मा मूलतः निराकार है, और उसने फिर अपने आकार में आने की सोची, तब क्या बन गया, सदाशिव बन गया। फिर वो सदाशिव बन गए। अब देखो क्लियर होगा यहाँ से। उसने कल्पना की, मूर्ति की कल्पना की अपने लिए। उस निराकार परमात्मा ने अपनी लीला शक्ति से अपने लिए मूर्ति की कल्पना की। जो मूर्ति रहित परम ब्रह्म है उसकी मूर्ति या देखिए भगवान सदाशिव हैं। अब सदाशिव कौन है ये देखना जान से, ये किसको सदाशिव कहते हैं। अर्वाचीन और प्राचीन विद्वान उन्हीं को ईश्वर कहते हैं। उस समय एकाकी रहकर स्वेच्छानुसार विहार करने वाले उन सदाशिव ने अपने विग्रह से स्वयं ही स्वरूप भूता शक्ति की सृष्टि की, जो उनके अपने श्री अंग से कभी अलग होने वाली नहीं थी। उस प्राशक्ति को प्रधान भी कहते हैं, प्रकृति भी कहते हैं, गुणवती माया बुद्धि तत्व की जननी तथा विकार रहित कहा है। वह शक्ति अंबिका कही गई है, उसी को प्रकृति सर्वेश्वरी त्रिदेव जननी तीनों देवताओं को उत्पन्न करने वाली उनकी माता, ब्रह्मा विष्णु महेश की माता नेता और मूल कारण भी कहते हैं। सदाशिव द्वारा प्रकट की गई उस शक्ति की 8 भुजाएं हैं। हो गया क्लियर। अब ये दुर्गा के विषय में है, और सदाशिव ये कौन है, ये काल है, आगे और क्लियर हो जाएगा। अब इसमें क्या सिद्ध हो गया कि प्रकृति भी दुर्गा को कहते हैं और प्रधान भी दुर्गा को कहते हैं। गीता अध्याय नंबर 14 के श्लोक नंबर 3-5 में कति स्पष्ट किया गया है। ये काल कहता है, गीता बोलने वाला ब्रह्म कहता है कि दुर्गा तो मेरी प्रकृति तो मेरी पत्नी है,
सब जीवों को उत्पन्न करने वाली माता है, मैं इसके गर्भ में बीज स्थापन करने वाला सबका पिता हूँ। प्रकृति से उत्पन्न ये तीनों गुण इस जीव को कर्मानुसार यहाँ बांधे रखते हैं, जकड़े रखते हैं। तीनों गुण कौन सी सिद्ध होगी? रजगुण, ब्रह्मा, सदगुण, विषमतम गुण शिव जी। ये देखिएगा अध्याय 14 और सुनाता हूँ, ताजा ताजा है, ये जल्दी समझ में आ जाएगा। ये देखिएगा गीता अध्याय नंबर, श्रीमद् भगवत गीता अध्याय नंबर 14 का और श्लोक नंबर 3 में, हे अर्जुन मेरी महत माने प्रधान ब्रह्म, मेरी महत रूप मूल प्रकृति संपूर्ण भूतों की योनि अर्थात गर्भाधान स्थान है। मैं उस योनि में चेतन यानी गर्भ को स्थापन करने वाला तत्व करता हूँ, उसके संयोग से जड़ चेतने से उसे नहीं सब भूतों की सब प्राणियों की उत्पत्ति होती है। 4 में क्या कहा है? हे अर्जुन नाना प्रकार की सब योनियों में जितनी मूर्तियां अर्थात शरीरधारी प्राणी उत्पन्न होते हैं, प्रकृति दुर्गा, प्रकृति यानी दुर्गा उन सब की गर्भधारण करने वाली माता है और मैं बीज स्थापन करने वाला पिता हूँ। और 5वें में क्या कहा है? हे अर्जुन सतगुण रजगुण और तमगुण ये प्रकृति से उत्पन्न, दुर्गा से उत्पन्न ब्रह्मा विष्णु महेश, विष्णु ब्रह्मा महेश तीनों गुण ये तीनों देवता अविनाशी जीव आत्मा को शरीर में बांधते हैं। अब इसने काल ने हमें मूर्ख बनाने के लिए ब्रह्मा विष्णु महेश के सिर ठेकरा फोड़ दिया कि ये तीनों देवता ही सबको यहाँ फंसा कर रखते हैं। परमात्मा ने आकर बताया ब्रह्मा विष्णु महेश्वर माया और ये धर्मराया कहिए इन पांचों मिल परपंच बनाया वाणी हमरी लइए। ब्रह्मा विष्णु महेश दुर्गा और काल ने इन पांचों ने मिलकर ये परपंच रच रखा है। हमारी बात को गहराई से सोचियो बच्चों, परमात्मा ने कहा अब ये सिद्ध हो ही रहा है। ये पांचों मिलकर जकड़े बैठे हमारे को, इन पांचों मिल जीव अटकाए युगन युगन हम आयन छुटाए, बंदी छोड़ हमारा नामम अजर अमर है अस्थिर ठामम, अमर करूं सतलोक पठाऊं ताते बंदी छोड़ कहाऊं। यहाँ पवित्र शिव प्राण को हमने फिर उठा लिया, श्रीमद् भगवत गीता को रख दिया, उसमें से इतना ही लेना था। अब देखिएगा ये संक्षिप्त शिव पुराण हम पढ़ रहे हैं और 100 पृष्ठ पे पढ़ रहे थे, यहां आगे थे हम। कि जो मूर्ति रहित परम ब्रह्म है उसकी मूर्ति भगवान सदाशिव हैं, अर्वाचीन और प्राचीन विद्वान उन्हें ईश्वर कहते हैं। उस समय एकाकी रहकर स्वेच्छानुसार विहार करने वाले सदाशिव ने अपने विग्रह से स्वयं ही एक स्वरूप भूता शक्ति की सृष्टि की जो उनके अपने श्री अंग से कभी अलग होने वाली नहीं थी। उस पराशक्ति को अपने विग्रह माने शरीर से निकाली दुर्गा को ये खुद मान रहे हैं। पुण्यात्माओं परमात्मा आए थे, ब्रह्मा जी को मिले, विष्णु जी को मिले, शिव जी को मिले। पहली बार तो इन्होंने ज्ञान सुना डंगते हैं। परमात्मा ने सबसे पहले ब्रह्मा को सृष्टि रचना आदि सुनाई थी, पहले उसने ठीक माना, बाद में काल ने उसके अंदर प्रवेश करके बुद्धि भ्रष्ट कर दी कि ये झूठ बोलता है, मन गणत कहानियाँ हैं, वेद सर्वश्रेष्ठ हैं, इसके अतिरिक्त कोई बात मत मानो। तो इस ब्रह्मा जी ने कुछ तो परमात्मा से प्राप्त ज्ञान और कुछ फिर अपनी अज्ञान के आधार से ये ज्ञान सुनाना चाहा, तो फिर भी सच्चाई छुपी नहीं। ये क्या कहना चाहते हैं कि सदाशिव पहले निराकार था फिर सदाशिव बन गया, उसने अपने शरीर से एक शक्ति निकाल ली व प्रकृति कलाई
उसी को जगदम्बिका कहते हैं। तीनों देव की जननी ब्रह्मा विष्णु महेश की माता और उसकी आठ भुजाएं। यहाँ कर दिया ना डंगा इसने। और परमात्मा ने पहले ही बता रखा है कि जैसे दास ने सृष्टि रचनामा आपको बहुत बार सुनाया है, उसमें आप खूब समझ चुके होंगे, तो उसी का कुछ अंश लेकर इसने यहाँ मिलावट की है। देखिएगा, उस समय एकाकी रहकर स्वेच्छा अनुसार विहार करने वाले सदाशिव ने अपने विग्रह से स्वयं ही एक स्वरूप भूता शक्ति की सृष्टि की, जो उनके अपने श्री अंग से कभी अलग होने वाली नहीं थी। उस पराशक्ति को प्रधान प्रकृति गुणवती माया बुद्धि तत्व की जननी विकार रहित बताया गया। वह शक्ति अंबिका दुर्गा कही गई है। उसी को प्रकृति सर्वेश्वरी त्रिदेव जननी नित्य मूल कारण भी कहते हैं। सदाशिव द्वारा प्रकट की गई उस शक्ति की आठ भुजाएं होगी, क्लियर। नाना प्रकार के आभूषण उसके श्री अंग की शोभा बढ़ाते हैं, श्री अंगों की। वह देवी नाना प्रकार की गतियों से संपन्न है और अनेक प्रकार के अस्त्र शस्त्र धारण करती है। एकाकिनी होकर भी वह माया संयोग वसात अनेक हो जाती है। वे जो सदाशिव हैं, अब ये डेफिनेशन है उस काल की, ब्रह्मा जी बता रहे हैं और अपने सदग्रंथों में लिखा है, देखिएगा। वे जो सदाशिव हैं उन्हें परम पुरुष ईश्वर शिव शंभु और महेश्वर कहते हैं। यहाँ देखना, वे अपने सारे अंगों में भस्म रमाए रहते हैं। उन काल रूपी ब्रह्म ने एक ही समय में शक्ति के साथ दुर्गा के साथ शिवलोक नामक अक्षेत्र का निर्माण किया था। उस उत्तम अक्षेत्र को काशी कहते हैं। वह परम निर्वाण या मोक्ष स्थान है जो सबके ऊपर विराजमान है। वह प्रिया और प्रियतम रूप, पति पत्नी रूप में शक्ति और शिव, दुर्गा और ये काल, ये स्पष्ट कह दिया। वो काल रूपी ब्रह्म ने, यो काल कहो, ब्रह्म कहो, काल रूपी ब्रह्म कहो, सदाशिव कहो, ये ब्रह्म है। शक्ति और शिव ने, दुर्गा और काल ने, वे प्रिया और प्रियतम रूप यानी पति पत्नी रूप में शक्ति यानी दुर्गा और शिव जो परमानंद स्वरूप हैं उस मनोरम क्षेत्र में नित्य निवास करते हैं। मुने शिव और शिवा ने, काल और दुर्गा ने प्रलय काल में भी कभी उस क्षेत्र को अपने सानिध्य से मुक्त नहीं किया। देवऋषि एक समय आनंद वन में रमण करते हुए शिवा और शिव के मन में यह इच्छा हुई कि किसी दूसरे पुरुष की सृष्टि करनी चाहिए, जिस पर यह सृष्टि संचालन का महान भार रखकर हम दोनों केवल काशी में रहकर इच्छा अनुसार विचरें और निर्वाण धारण करें। अभी इन्होंने सोचा कि कोई पुत्र उत्पन्न करते हैं, उसको ये सारा काम संभलवा देंगे, हम निर्वाण धारण करेंगे, एकांत में रहा करेंगे। ये देखिए, ऐसा निश्चय करके शक्ति सहित सर्वव्यापी परमेश्वर शिव ने अपने वाम भाग के दसवें अंग पर अमृत मल दिया। फिर तो वहां से एक पुरुष प्रकट हुआ, यानी पति पत्नी व्यवहार किया, वहां से एक पुत्र उत्पन्न हुआ, उसका नाम के रख्या। 102 पृष्ठ पे संक्षिप्त शिव पुराण, 102 पृष्ठ पे शिव ने कहा, वत्स, उस काल ने कहा, बेटा व्यापक होने के कारण तुम्हारा विष्णु नाम विख्यात हुआ, विष्णु धर दिया तेरा नाम। अब फिर हम यहाँ आते हैं, ये हमने छठा अध्याय पढ़ लिया रुद्र संहिता का, सातवां, ये सातवां अध्याय 103 पृष्ठ पे ब्रह्मा जी कहते हैं, देव से तत्पश्चात कल्याणकारी परमेश्वर साम सदाशिव ने, काल ने पूर्ववत प्रयत्न करके जैसे अपनी दुर्गा से विष्णु की उत्पत्ति की, मुझे अपने दाहिने अंग से उत्पन्न किया। बस बात खत्म। आप सुन रहे थे जगतगुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के मंगल प्रवचन। अधिक जानकारी के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट www.jagatgururampalji.org। संत रामपाल जी महाराज जी के शुभ आशीर्वाद से पूरे विश्व भर में 500 से भी ज्यादा नाम दीक्षा केंद्र हैं, जिन पर संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा ऑनलाइन निशुल्क नाम दीक्षा दी जा रही है। अपने नजदीकी नाम दीक्षा केंद्र का पता करने के लिए संपर्क करें 8222888 0541।